अभी तक कंट्रासेप्टिव मेथड्स में बर्थ कंट्रोल के मेथड को पढ़ा, जिसमें आप बैरियर मेथड, केमिकल मेथड पढ़ा। अब आप देखेंगे नेचुरल मेथड, बर्थ कंट्रोल का नेचुरल मेथड क्या है। नेचुरल मेथड में न मेडिसिन की जरूरत होती है और न किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, बशर्ते कि यह नेचुरल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपनाना होता है। जिसमें होता क्या है, ओवम और स्पर्म का मेटिंग नेचुरल वे में नहीं होने देता। तो नेचुरल वे में स्पर्म और ओवम एक दूसरे से ना मिले, उसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस है तो हम देखेंगे। पहला है राइम मेथड। राइम मेथड में क्या है, इस मेथड में यह एमसी के फर्स्ट से सेवन बेंच और एमसी के बाद सेवन डेज तक ये सेफ पीरियड होता है। इस पीरियड में क्वाइटस के बाद भी प्रेगनेंसी संभव नहीं है। नेक्स्ट है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मीन्स एमसी पीरियड में, मीन्स एम मस्कुलर साइकिल में 10 से 17वें दिन ये फर्टिलिटी पीरियड। उस पीरियड में क्वाइटस होने का मतलब है कंसेप्शन हो जाना, मीन्स प्रेग्नेंट हो जाना। तो उस पीरियड में बचने का उपाय है कि जो फर्टिलिटी पीरियड है एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय का 10वें से 17वें दिन तक क्वाइटस नहीं। नेक्स्ट है वह है विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस मीन्स जिस समय सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, क्वाइटस होता है, तो क्वाइटस के समय इजाकुलेशन से पहले, सीमेन के इजाकुलेट होने से पहले मेल फीमेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मेल्स पेनिस को विजाइना से अलग कर दिया जाता है। तो उस पीरियड में इजाकुलेशन अगर नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन एमनोरिया, ये माँ बच्चे को जिस समय दूध पिलाती रहती है, मीन्स लैक्टेशन पीरियड उसको कहते हैं। लैक्टेशन पीरियड में हाई कंसंट्रेशन होता है प्रोलैक्टिन का। ये प्रोलैक्टिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहां से। तो लैक्टेटिंग मदर को प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। लेकिन यह कब तक, मीन्स बच्चे के जन्म के 6 महीने तक। अगर दूध अगर पिला रही है तो उस क्रम में जो है कंसेप्शन की संभावना नहीं है। नेक्स्ट है वह है टर्मिनल मेथड। तो टर्मिनल मेथड ये सर्जिकल मेथड है। तो सर्जिकल मेथड में इसकी रिवर्सिबिलिटी, अगर ये टर्मिनल मेथड को अपनाया फिर अगर बच्चे को चाहे तो इसका चांसेस बहुत कम। तो ये है सर्जिकल मेथड। तो मील के लिए जो सर्जिकल मेथड है वह कहलाता है वैसेक्टोमी। इसमें वास डिफरेंस को कट ऑफ कर दिया जाता है। तो कट ऑफ कर दिया जाता है तो किस से स्पर्म जो है पेनिस में कहां से पहुंचेगा, बंद हो जाएगा, वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है, रास्ता ही बंद हो जाता है, तो स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो वो फर्टिलाइज। दूसरा फीमेल के लिए,
फीमेल के लिए जो एस्ट्रोलाइजेशन प्रोसेस है वह कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। उस ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को काट दिया तो ओवरी से एक निकल के फैलोपियन ट्यूब का ही पोर्शन कट कट कर दिया जाता है। तो इस्थमस जहां पर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, फ्यूजन जगह पर ये ओवम पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि रास्ता बंद है। तो इस तरह से टर्मिनल देखा है। नेक्स्ट है वह है, अब आइए ये सारे रास्ते